हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। वैसे तो आपने बहुत सारी कचौड़ियाँ खाई होंगी, पर इस प्याज की कचौड़ी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं यह रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से बनाने की कोशिश की हूँ ताकि आपको इसे बनाने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो और आप इसे खट्टी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया करीब 3 कटोरी आटा। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें, उसी के अनुसार मेजरमेंट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीब 1 टीस्पून अजवाइन इस तरह से क्रश करके डाल दिया है और मोइन के लिए यहाँ पर तेल डाल दिया है। मोइन के लिए तेल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे हमारी जो कचौरी है वो क्रिस्पी बनेगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल हल्का सा इसमें नमक डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइन है कि हमारा जो मोइन है वो अच्छी तरह से डला है, जो हमारे आटे हैं वो अच्छे से गुठलियाँ बन रही हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। जो हमारी कचौड़ी है इसका आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, वरना जो फिलिंग्स है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। टाइट डो नहीं रेडी करना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी करना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद इसे एक किचन टॉवल से ढक कर के हम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इस तरीके से तेल से हल्का सा कोटिंग कर लेंगे ताकि इसमें जो पपड़ी है वो ना पड़े। और उसके बाद इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो ले लेंगे ग्राइंडिंग जार, उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, फिर डाल देंगे 4 से 5 काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून सौंफ और इन सभी को बिल्कुल दरदरा हम कूट लेंगे, यानी कि ग्राइंडिंग जार में चला देंगे। बिल्कुल दरदरा रहना चाहिए फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है। ये देखिए इस मसाले की वजह से जो फिलिंग से बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर एक तरफ रख देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे करीब 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल और जब तेल गर्म हो जाए तो इस मसाले को जो हमने कूटा था उसे हम अच्छे से डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हींग। हींग से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इस तरीके से। जब भी अच्छे से भून जाए 1 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे कसा हुआ अदरक और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। इनको भूनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है करीब 2 से 3 मिर्ची कटी हुई। मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अनुसार कर लें। फिर हम डाल देंगे कटे हुए लहसुन और यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 चम्मच बेसन। बेसन जो है वो हमारे फिलिंग्स को अच्छी बाइंडिंग देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब हमारा बेसन भून जाए तो तब यहाँ पर हम डाल देंगे मेन इंग्रेडिएंट हमारा प्याज। तो आप सोच रहे होंगे प्याज इतना ज़्यादा क्यों, तो प्याज की कचौरी है तो प्याज तो ज़्यादा रहेगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज कट कर लिए हैं और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, यहाँ पर बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उतना ही हमें इसे भूनना है। उसके बाद डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मसाला अभी देखने में। तो उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर आलू। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के बॉइल्ड आलू को मैश करके हल्का सा इसमें डाल लिया है। आलू जो है वो हमारे फिलिंग को अच्छे से बाइंड करके रखेगा, जिसकी वजह से हमारी जब कचौरियाँ तलेंगी तो मसाला जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मैश करते हुए भून लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से इसको मैश कर लेंगे ताकि जो आलू के जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। इस तरीके से भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, इसे भी हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम यहाँ पर रखेंगे मीडियम और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। फिर हम डाल देंगे करीब 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर,
और इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच पिसी हुई मिश्री, या फिर यहाँ पर आप चीनी डाल सकते हैं जो कि हमारे तीखेपन को बैलेंस करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया फिलिंग्स बनकर रेडी हुआ है। इसे देखकर तो ये मन कर रहा है फ्रेंड्स कि इस फिलिंग को बस ऐसे ही खा लिया जाए। और ये लीजिए रेडी हो गई। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर हम अपने आटे को अच्छे से एक बार फिर से सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे, और उसके बाद इसके छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे। वैसे तो ये रेसिपी ट्रेडिशनली मैदे से बनाई जाती है फ्रेंड्स, मैदा से और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, पर यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को थोड़ा हेल्दी रखा है क्योंकि घर में बच्चों को भी खाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसमें के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरीके से हम गोल कर लेंगे एक लोई को, और जिस तरीके से हम बाटी बनाते हैं उसी तरीके से आटे को इस तरह से फैला लेंगे, गड्ढा कर लेंगे, और हम अपने फिलिंग्स को इसके बीच में डाल लेंगे। और मोदक जिस तरीके से मोड़ा जाता है उसी तरीके से मोड़ते हुए इसे हम सील कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें सील करना है ताकि तेल में जाते वक्त ये फटे ना। तो इस तरीके से सील करने के बाद इसे अच्छे से चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से हम अपने सारी कचौड़ियों को रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल। आप यहाँ पर रिफाइन तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। तो एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी कचौड़ियाँ आ जाए उतनी कचौड़ियाँ डाल लें, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस कचौड़ी को तल लेंगे। तो इस तरीके से हम पलटते हुए चारों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप जब भी कचौड़ियाँ तलें तो मोटे तले की कढ़ाई में ही तलें। यहाँ पर मैंने पतली तले की कढ़ाई ले ली थी, जिसकी वजह से ये देखिए हल्की हल्की जो कचौड़ियाँ हैं वो हल्की हल्की लग गई हैं। तो इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपने सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया तल कर तैयार हुआ है, बिल्कुल फुला फुला कचौड़ी। तो इसे हम अच्छे से सर्व कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही डिलीशियस प्याज की कचौड़ी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो इसे मैं तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग्स कितने बढ़िया तरीके से सिक गई है, और चारों तरफ से बराबर सिका है ये। ये देखिए ये इतनी गर्म है फ्रेंड्स कि इसको मुझे अच्छे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है। ये देखिए, तो इसको निकालने के लिए हम एक कटोरी में से निकाल लेंगे, हल्का सा ऊपर से खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे इमली की, और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो एक लाइक दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।